थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना था कि क्या खा रही हूँ आजकल या डाइट में क्या लेती हूँ। सबसे पहले मैंने वो जो एक आपने बड़ा सा मग देखा है ना, वो मैंने पानी का पिया है। उसके अंदर मैंने पूरा एक लेमन निचोड़ा है अच्छे से, वो पिया है। उसके बाद इतना पौने घंटे के बाद मैंने स्लाइस ये जो थे ना ब्राउन ब्रेड, तो ये मत समझिएगा कि ये मैंने खुद ही खाए हैं। 3 मेरे हस्बैंड ने लिए थे, 1 मैंने लिया, तो साथ में जो भी आपका लेफ्ट ओवर रात वाला सालन उसके साथ। तो ये मैंने सैलड खाया था फिर तकरीबन 3 या 4 बजे के दरमियान। ये सेकंड डे था, पहले दिन मैंने उसके अंदर खीरा डाला था जो कि सूट नहीं किया मुझे, पता नहीं क्या कोई मसला बना था। तो सेकंड डे मैंने फिर सिर्फ सेब और जो अंगूर है ना उसी का मैंने लंच किया, या जो भी आप बोलें। आज की रेसिपी है कुछ ये, और अभी मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर करना तो मुश्किल हो जाता है, ऐसे लाइव बताना इजी रहता है ना हर चीज़ में क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। तो इसी स्टेप के साथ है मेरे पास चिकन, इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी जो क्विक से बन जाएगी। ठीक है, फ्लेम कर दीजिए आप लोग ऑन। ठीक है, ये मैंने फ्लेम कर दिया जी ऑन। अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी मैं ऑयल। हाफ कप से कम आपने ऐड करने, और इस जो कढ़ाई है ना आप लोग डेली देखते हो ये, या बर्तन जो भी मेरा देखते हो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे कुछ ना एक दफ़ा चाबी हम लोग दे गए थे यहाँ किसी को, अपने मतलब रिलेटिव थे, उनको पता नहीं था कि ये कैसे यूज़ करना है। उन्होंने ना इसके अंदर वो बर्तन साफ करने वाला जो होता है ना स्पंज वगैरह जो दूसरा तार वाला होता है उसके अंदर अच्छे से रगड़ के उन्होंने ये हालत कर दी है इसकी। तो अभी नींव लेनी पड़ेगी ये। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इधर मैंने सारा कुछ कट कर लिया, टमाटो भी इसके अंदर कट कर लिया, सारा मिर्च भी कट कर लिया, नींव भी कर लिया, कैबेज भी है छोड़ दिया। इसको अच्छे से एक दफ़ा आप ऑयल में जो है ना इसको कर लें फ्राई, लाइट सा इसको कर लें, ताकि बाद में इसमें स्पाइसी ऐड करूँ। अभी मैंने इसके अंदर करना है चिकन ऐड। अभी मैंने इसके अंदर एज अ टेस्ट ये 3-4 बोतलें मैंने इसके अंदर चिकन की ऐड की है, तो क्योंकि चिकन ज़्यादा खाते भी नहीं हैं और मुझे बात है कि मैं भी वैसे भी डाइट हूँ, तो मुझे चिकन का मैंने बोला था कि आपने बॉइल करके खाना है। तो अभी बारी है जी इसके अंदर स्पाइसी ऐड करने की, तो वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जी हल्दी 1/2 चम्मच, और अभी इसके अंदर कर रहे हैं जी सॉल्ट, एज योर टेस्ट भी कर सकते हो और आप लोग 1 चम्मच के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हो। और लास्ट पे जो हम ऐड कर रहे हैं वो जी ब्लैक पेपर। ठीक है, इसको कर लें जी अच्छे से मिक्स। कुछ इसका तड़का छड़का नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया इसको, डायरेक्ट हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने। ठीक है, फ्लेम ऑन है जी, नीचे से लाइट रखी है, ज़्यादा तेज नहीं करनी है आप लोगों ने भी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आलू नहीं मैंने डाले इसके अंदर क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है, तो सालन ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अभी मैं इसके अंदर करने लगी हूँ जी ये वाला शान का मसाला है जी, अचार गोश्त वाला मसाला, थोड़ा सा आपने ऐड करना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अभी जो मेन इसमें आपने ऐड करना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, गोभी जो है वो तो वैसे ही हमारी पक जाएगी। ठीक है, तो चिकन को मिलाने के लिए अभी हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, बस ठीक हो गया।
इतना सा पानी आप इसके अंदर ऐड करना है। इसको अच्छे से हिला दें एक दफा फिर। अभी इसको कर दें जी बंद, सॉरी कवर कर दें, और इसको कर दें जी आप दम पे। ये ले जी, ये हो गया दम पे। फ्लेम बिल्कुल आपने दम वाली रखनी है, जैसे दम लगाते हैं ना तो नीचे जो फ्लेम होता है। तो जी वेलकम बैक। अभी मैंने इसका ढक्कन उठा दिया है, अभी हम देखते हैं जी कि क्या इसकी कंडीशन है। तो कंडीशन आप लोगों के सामने है बिल्कुल अच्छे से, उसको देखें। ये देखें, ये देखें, ये देखें बिल्कुल। तो अभी ये देखेंगे बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट आदमी करके बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो थोड़ा सा बाहर का व्यू, आवाज़ जो आ रही है बैकग्राउंड पर, उसको इग्नोर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। उसके बाद जी वो रेसिपी आपने देखी है, रेसिपी के बाद मैं हम लोग शाम को आ गए थे यहाँ पे ईदा मॉल, यहाँ से कुछ ना चीज़ें परचेज करनी थी। तो जिस मकसद के लिए गए थे वो भी पूरा ना हो सका हमारा। तो मैं जो भी ये हेल्दी ब्रेकफास्ट का जो भी आप बोलते हो डाइट में, मैं वो आप लोगों के साथ बेसिकली यही शेयर करना चाहती थी। तो मैंने उसका छोटा सा क्लिप बनाया। एज यूजुअल मैं कुछ ज़्यादा मतलब के नहीं खा रही आजकल ना, बस वही रूटीन में जो चल रहा है। मैंने पराठा छोड़ दिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे जी आ गए हैं जी हम लोग एकदम, और यहाँ पे मैंने ये पैन लेना था, एक तवा जिसे पंजाबी में बोलते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो मुझे वो चाहिए था। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हम लोग डाइट पे ही फोकस करते हैं, तो ये चीज़ें आप अब साथ साथ देखते रहे। तो डाइट का क्या हुआ कि सुबह से चल रही थी डाइट, खाना सारा डाइट का था। जब एकदम और गए तो वहाँ पे पिज्ज़ा मिल गया, पिज्ज़ा देखते फिर रहा नहीं गया तो खा लिया पिज्जा। तो ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।